गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, कैसे हो आप सभी? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। लेट मी नो गाइज, आई एम ऑडिबल एंड विजिबल। क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं सभी लोग? लेट मी नो गाइज, आई एम ऑडिबल एंड विजिबल। माई सेल्फ प्रवीण सिंह एंड वेलकम टू अन अकेडमी। लेट्स क्रैक UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन विथ इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। आप सभी लोग इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पर स्वागत है। गाइस टाइम है 8 PM और ये टाइम है मेरे साथ जुड़ने का। जल्दी से फटाफट सभी लोग जुड़ते जाएगा इंडियन ज्योग्राफी के ऑसम सेशन के लिए। देखो आज के सेशन में बेसिकली हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के अंदर इंडियन ट्राइब्स टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसको हम लोग जैसे कहते हैं ना कि ज्योग्राफी का पार्ट है, कि ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट, ये जो तो समझो कुछ उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है। एक बहुत ही ऑसम सा टॉपिक है, जिसमें हम लोग इंडिया के मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइब्स के बारे में डिस्कस करेंगे और ट्राइब्स किस स्टेट से बिलोंग करती है, उनके बारे में कुछ और चीज़ें होंगी, तो ट्राइब्स होते क्या हैं ये समझेंगे हम लोग, इनका इकोनॉमिकल कंडीशन क्या होता है, PVTGs ट्राइब्स क्या हैं, कौन सी हैं, इनके बारे में सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाला है। इट मीन्स एक बहुत ही ऑसम सा सेशन होने वाला है हर बार की तरह ही। जैसे कि सबसे लोग फटाफट क्लास को लाइक और शेयर कर लीजिए, जितने लोग क्लास में जुड़े हुए क्लास को फटाफट लाइक और शेयर भी जरूर कर लीजिए। देखो यदि आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर आते हो तो आपको कई सारे बेनिफिट मिल जाते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। गुड इवनिंग BS जो प्लस और आइकोनिक दो तरह के कोर्सेज के हैं, इनके अलावा आप केवल ऑप्शनल पढ़ना चाहते हैं, यदि आपकी इच्छा है केवल मुझे ऑप्शनल पढ़ना है तो ये भी ऑप्शन आपके पास है, आप ऑप्शनल के भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और यहाँ भी आप रेफर कोड प्रवीण वन यूज़ करोगे तो आपको इमीडिएट 10% ऑफ मिलने वाले हैं। गुड इवनिंग सेजर्स, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने का देखो बेनिफिट, यहाँ पर लाइव और इंटरेक्टिव ऑनलाइन सेशंस, कंप्लीट सिलेबस कवरेज है, वन सब्सक्रिप्शन अनलिमिटेड एसेस, टेस्ट सीरीज, क्विजेज एंड डाउट सेशंस मिल जाते हैं, कई सारे बेनिफिट आपको मिलते हैं। और आप प्रवीण वन कोड यूज़ करते हो आपको इमीडिएट 10% ऑफ भी मिलता है, साथ में आपको मेरी पर्सनल मेंटरिंग भी मिल जाएगी, जो मेरी मेंटरिंग आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ भी होगी। प्लस कोर्स में 12 मंथ के लिए पे करोगे 49,500, प्रवीण वन कोड के बाद पे करोगे 44,550, ऐसे कुछ 24 मंथ 36 मंथ के लिए। जबकि आइकोनिक कोर्स में आते हो तो 12 मंथ के लिए आपको पे करना 74,500, प्रवीण वन कोड के बाद पे करोगे 67,050 रुपीज़, ऐसे कुछ 24 मंथ तो 36 मंथ के लिए भी। देखो आइकोनिक कोर्सेज में कई सारे बेनिफिट मिलते हैं, बट इसमें सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको एक पर्सनल कोच दिए जाते हैं, तो प्लस और आइकोनिक कोई भी कोर्स लो आप प्रवीण वन कोड के थ्रू जुड़ सकते हो। और आप आज लास्ट डेट है आपको अमेजिंग ऑफर्स का, कल के बाद आपकी आज के बाद प्राइसेस थोड़ी सी हाइक हो जाएंगी, तो आपके लिए अभी भी ऑप्शंस हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं इन कोर्सेज को। नमस्कार मोहन। और 6-in-1 ऑफर भी आपके पास अभी भी अवेलेबल है, कुछ बैचेज में 1 सितंबर से आ रही हैं। और एवरी संडे 11 AM कॉम्बैट में जरूर पार्टिसिपेट किया करो, और कॉम्बैट में इनरोल्ड होने के लिए प्रवीण वन कोड के थ्रू इनरोल्ड होइए, जिसमें आपको कुछ अमेजिंग स्कॉलरशिप आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है? फ्री टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो गाइज एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है ऑसम से सेशन में। सभी लोग जल्दी से फटाफट जुड़ जाओ, फिर हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट कर सकें। और जितने लोग क्लास में जुड़े हो क्लास को लाइक और शेयर भी कर लीजिए। अमित वर्मा जी, कंसिस्टेंसी बनाने के लिए सिंपल सी बात है कि आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन से स्टार्ट कीजिए, कि स्ट्रेटेजी बना करके। आप क्लासेस नहीं कर सकते कोई इश्यू नहीं है, आप जो जैसे मान लीजिए मेरी क्लासेस जो यूट्यूब पे होती है फ्री क्लासेस होती है, इनको कंटिन्यू करो। कोई भी एक क्लासेस आप कंटिन्यू करते रहो तो आपकी खुद से खुद कंसिस्टेंसी बन जाएगी, कोई जरूरी नहीं है कि आप पेड क्लासेस के साथ ही जा रहे हो। आप इनके साथ इसमें हाँ थोड़ा सा आपको एफर्ट एक्स्ट्रा करनी पड़ेंगे, बट कीजिए, ठीक है? कोई भी एक क्लासेस जो है रेगुलर बेसिस पे करते रहो, अपने आप खुद ब खुद कंटिन्यू हो जाओगे, प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। प्रॉब्लम आती है कि करते नहीं हो ना, कुछ दिन पढ़ोगे फिर छोड़ दोगे, पढ़ोगे छोड़ दोगे, तो ऐसे कैसे होगा? और जनरली फ्री की चीज़ों की हम वैल्यू देते नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि इंसान की एक फितरत होती है कि उसको कोई चीज़ फ्री में मिलती है तो उसकी कदर कभी नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी बेहतर चीज़ उसे मिल जाए, ये इंसानी फितरत है। यह तो आपके साथ भी होगी, मेरे साथ भी होगी, सबके साथ होती है चीज़। तो इससे यदि बाहर आ जाओगे तो समस्या सॉल्व हो जाएगी। ओके, मेरी क्लासेस करते रहो। जैसे आप देखो इंडियन ज्योग्राफी मेरी कंप्लीट होने वाली है 2-3 क्लासेस के अंदर, 2 क्लासेज या 3 क्लासेज में कंप्लीट हो जाएंगे। फिर इसके बाद हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं। और कल मैं आपको बता दूं इंडियन ज्योग्राफी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, तो कल इंडियन ज्योग्राफी पे मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आपको 3 PM पर, यहीं पर सेम प्लेस पे। तो आप लोग ये भी ज्वाइन कर लेना कितना इंडियन ज्योग्राफी सीखा है, वो आप इवैल्यूएट कर पाओगे अपने आपको, ठीक है? चलो देखो अब हम लोग डिस्कस करते हैं, टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले देखो इंडियन ट्राइब्स के बारे में पढ़ना, इट मीन्स मैं ग्लोबली ट्राइब्स के बारे में नहीं बताऊंगा कि किस कॉन्टिनेंट में या किस कंट्री के अंदर कौन से ट्राइब पाए जाती है, जो हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे तो उसमें उसको डिस्कस करेंगे। आज हम लोग बेसिकली इंडिया के अंदर मिलने वाले ट्राइब्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखो सबसे पहले तो हमें समझना है कि ट्राइब्स होते क्या हैं,
फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास यही आता है कि ट्राइब्स कहते किसे हैं, जनजाति जो होती हैं ये होती क्या है, इसको हिंदी में जनजाति आदिवासी वगैरह भी कहते हैं। देखो सबसे पहले व्हाट इज ट्राइब, क्वेश्चन तुम्हारे पास ये है ना कि व्हाट इज ट्राइब। देखो अ ट्राइब इज अ सोशल डिवीजन इन अ ट्रेडिशनल सोसाइटी। पहले से एकदम सिंपल से समझो, सिंपल शब्द में ट्राइब है क्या, तो सोशल डिवीजन किसका, एक ट्रेडिशनल सोसाइटी का। अब फैमिली लिंक पे तो सोशल इकोनॉमिक रिलीजियस और ब्लड टाइज विथ अ कॉमन कल्चर एंड अ डायलैक्ट। दैट मीन्स जैसे मान लो देखोगे किसी रीजन्स में कोई एक पीपल्स है ट्रेडिशनल। देखो सबसे पहले बात क्या है, ये सोशल डिवीजन, इस बात को जरूर ध्यान देना, ट्राइब एक सोशल डिवीजन है ट्रेडिशनल सोसाइटी का। इस वर्ड पे भी ध्यान देना, ट्रेडिशनल सोसाइटी जिनमें आपको सिमिलरिटीज होती है सोशल फॉर्म में, इकोनॉमिकल फॉर्म में, रिलीजियस फॉर्म में, ब्लड टाइज के फॉर्म में, या कॉमन कल्चर इनके अंदर पाया जाता है। ठीक है, इनके अंदर कल्चर जो होगा आपका एक जैसा होगा, सोशली होंगे और पॉलिटिकली इंटायटी इनके अंदर मिलेगी। देखो जनरली क्या होता है कि जनरली ये आपको एक, इसने हिंदी में आदिवासी भी कहते हैं, आदि मतलब एंशियंट वासी, पुराने, देखो एंशियंट ट्रेडिशनल सोसाइटी से जुड़े हैं, इट मीन्स एक ट्रेडिशनल सोसाइटी के पार्ट होते हैं जिन्हें हम लोग समझ सकते हैं ट्राइब के फॉर्म में, जो सोशली इकोनॉमिकली रिलीजियस के फॉर्म में इनमें सिमिलरिटीज होती है और ये लाइफ को अभी भी उसी पैटर्न्स पर, सामान्यतः मैं इन जनरल टर्म्स में बात करूं तो अभी भी ये उसी तरीके से जीवन जी रहे हैं जो ट्रेडिशनल सोसाइटी के अंदर आपको मिलेगी। ठीक है, बातें समझ रहे हैं इसको। तो ट्राइब्स जो हैं एक सोशल डिवीजन है ट्रेडिशनल सोसाइटी के अंदर, जिसको लोग आदिवासी या जनजाति के नाम से भी जानते हैं, आदिवासी या जनजाति भी कहते हैं। तो कई बार हम लोग आदिवासी टर्म या जनजाति टर्म यूज़ करते हैं, तो सर ट्राइब के लिए यूज़ किया जा रहा है। यहाँ तक क्लियर है, समझ रहे हैं इसको, कोई डाउट किसी को, कोई कन्फ्यूजन, किसी भी ट्राइब की बात करोगे तो ट्राइब की कुछ ऐसी कंडीशंस होती है कि देखो जनरली क्या होता है, ये आपको डिफिकल्ट ज्योग्राफिकल लोकेशंस में, इट मीन देखो जनरली ट्राइब्स वगैरह को देखोगे तो माउंटेन रीजन्स में या आपको फॉरेस्ट रीजन्स में मिल जा रहे होंगे, यानी जहाँ की लाइफ स्टाइल अभी वो ट्रेडिशनल है, मेन सोसाइटी के साथ बेसिकली बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं होते हैं, जो मुख्य समाज हमारा उससे बहुत ज़्यादा इनका जुड़ाव अभी भी नहीं है मैक्सिमम ट्राइब्स की हम लोग बात करें तो। ठीक है, धीरे धीरे डेवलपमेंट के साथ इनके अंदर भी कुछ चीज़ें सुधार हो रही है, बट अभी भी ये लोग ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल को फॉलो करते हैं। तो जैसे देखोगे इनकी जीने के तरीका वही एग्रीकल्चर में आओगे, तो एग्रीकल्चर वो भी एग्रीकल्चर भी प्राइमेटिव फॉर्म में, जो ट्रेडिशनल फॉर्म है उसी पैटर्न्स को फॉलो कर रहे हैं। एनिमल हस्बेंड्री पर इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऐसी चीज़ों पर इनकी डिपेंडेंसी होती है। ऐसे ही ग्रुप को हम लोग ट्राइबल ग्रुप के रूप में, यानी जनजाति या आदिवासी के रूप में समझते हैं। ठीक है, यहाँ तक सभी ओके हैं। यदि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करें, संविधान की बात करें, तो संविधान में आओगे तो शेड्यूल फिफ्थ जो है वो आपको इनको रिकॉग्नाइज करता है जैसे शेड्यूल ट्राइब्स, इन्हीं को कहा गया शेड्यूल ट्राइब्स। शेड्यूल ट्राइब्स से क्या है, जो ट्राइब्स के बारे में शेड्यूल किया गया शेड्यूल फिफ्थ के अंदर, विच इज कॉल्ड द शेड्यूल ट्राइब्स, और करीब करीब 645 डिस्टिंक्ट ट्राइब्स इन इंडिया हाउएवर इन द दिस आर्टिकल्स, करीब करीब इसमें आप देखोगे तो 645 ट्राइब्स जो हैं वो आपको इसमें शामिल किए गए हैं शेड्यूल ट्राइब्स के साथ में। गुड इवनिंग सुब्रता, समझ रहे हो इसको। इट मीन्स आप यदि कॉन्स्टिट्यूशंस में देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशंस में ट्राइबल कम्युनिटीज को रिकॉग्नाइज करता है, कहाँ पे कर रहा है तो शेड्यूल फिफ्थ में आते हो तो ये रिकॉग्नाइज करता है, और वहाँ पे जो ट्राइबल्स के, जिन ट्राइब के बारे में मेंशन है उसी को हम लोग शेड्यूल ट्राइब्स के नाम से जानते हैं, विच इज कॉल्ड द शेड्यूल ट्राइब्स। नियर बाई द अराउंड 645 जो हैं और डिस्टिंक्ट ट्राइब्स इन इंडिया हैं करीब करीब शेड्यूल ट्राइब के फॉर्म में। इज दैट क्लियर, इट मीन्स अभी हमने समझा कि ट्राइब्स होते क्या है और ट्राइब के कॉन्स्टिट्यूशनल कंडीशंस क्या है, संविधान में उनके लिए कहाँ पर मेंशन है। ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हो। अब देखो यदि ट्राइब की हम बात करें आगे चल के, तो आप देखोगे इनकी एजुकेशन की बात करें तो देखो ऑब्वियस है ये ट्रेडिशनल सोसाइटी, ध्यान समझना क्या इनकी लाइफ ट्रेडिशनल सोसाइटी है, तो ऑब्वियस एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से लिस्ट डेवलप्ड होंगे, इनमें ज़रूरत है एजुकेशन्स को प्रमोट करने की, एजुकेशन्स बढ़ाने की, यानी कह सकते हैं लिस्ट एजुकेशनली डेवलप्ड होंगे ये। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैव टू फेस सोशल साइकोलॉजिकल एंड कल्चरल बैरियर टू गेट एजुकेशन्स। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि एजुकेशन्स के अंदर ये लोग कई तरह के बैरियर फेस करते हैं, एक सोशल है उनकी अपनी सोसाइटी की ही है, कुछ साइकोलॉजिकली भी है और कुछ कल्चरल बैरियर्स भी हैं जो इनको एजुकेशन को प्रमोट करने में यानी एजुकेशन को बढ़ावा देने में यहाँ पे प्रॉब्लम्स बैरियर्स क्रिएट करते हैं। यानी सिंपल सा देखा जाए तो ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो है अभी भी बहुत अधिक हद तक देखा जाए तो शैक्षणिक दृष्टिकोण से, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ से वेरी वेरी पुअर कंडीशंस में है ये। अभी मोस्ट ऑफ द ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं वो लिस्ट एजुकेशनली डेवलप्ड हैं।
मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, कुछ एक्सेप्शंस में आपको मिलेंगे अलग बात है, बट मैक्सिमम जो है वो लिस्ट एजुकेशनली डेवलप्ड है। इसके पीछे रीजन है, तो सोशल रीजन्स भी है आपका, साइकोलॉजिकल रीजन्स भी है, कल्चरल रीजन्स भी है, ठीक है। दिस हैज़ बीन वन ऑफ द रीजन फॉर पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द ट्राइबल स्टूडेंट इन स्कूल। और ये बहुत बड़ा कारण है कि वो स्कूल में जाते नहीं है या स्कूल फेस नहीं करते, तो पुअर परफॉर्मेंस उनकी होनी होनी है। तो पुअर लिटरेसी रेट इनके अंदर आपको मिलेगी, और ऑलमोस्ट देखोगे तो ये हायर एजुकेशन में आपको बहुत कम, यानी ऑलमोस्ट एबसेंट होते हैं ट्राइबल कम्युनिटी जो है एकेडमिक के हायर एजुकेशन के अंदर। स्टार्टिंग नहीं कर पाते तो हायर एजुकेशन में एबसेंट मिलने मिलने, यानी एजुकेशन की कंडीशन जो इनकी बहुत ही बुरी है। उसके पीछे एक रीज़न यही है कि इनका सोशल और कल्चरल और साइकोलॉजिकल जो माइंड सेटअप है वो कहीं ना कहीं इनके एजुकेशन में बैरियर के फॉर्म में काम कर रहा है। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत किसी को, कोई कन्फ्यूज़न यहाँ तक, कोई डाउट? अब देखो जैसे कई इमेजेस आपको अलग अलग डिफरेंट में, हालांकि जो ट्राइब्स की इमेज आपको देख रही है इंडियन ट्राइब की इमेज नहीं है ये, तो इसीलिए टेंशन मत लेना कि इंडिया में ऐसे ट्राइब्स कहाँ पाए जा रही हैं। देखो अब इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे आते, देखो इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बिना कुछ भी नहीं होने वाला। तो ऑब्वियस है इनकी इकोनॉमी भी हमें समझनी है। तो इनकी इकोनॉमी की हम बात करें तो ये आपको लिस्ट डेवलप्ड हैं, लिस्ट एजुकेटेड हैं, तो ऑब्वियस है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो इनकी होगी वो अभी भी वो ट्रेडिशनल पैटर्न जैसे हंटिंग। मार्जिया गुड इवनिंग, लेट हो गया आप आने में। हंटिंग या प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ द एग्रीकल्चर, ऐसी कुछ एक्टिविटीज में ही है आपको इन्वॉल्व होंगे आज के टाइम में भी। यानी मोस्ट ट्राइब्स आर कंसर्न इन द हेवली फॉरेस्टेड एरियाज, फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं, ठीक है। कंबाइन इंटेंसली विद द लिमिटेड पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, इनका जो इन एसेसिबिलिटी ऑफ द विद लिमिटेड पॉलिटिकल एंड द इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस है इनके साथ। हिस्टोरिकली द इकोनॉमी ऑफ मोस्ट ट्राइब्स वाज सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कल हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या होता है, कल की क्लास में मैंने पढ़ाया था कि सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर उसे बोलते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सर्वाइव करने के लिए की जाती है, कि फैमिली जो है सर्वाइव कर सके। तो मोस्ट ऑफ द ट्राइबल ग्रुप जो है वो एग्रीकल्चर में जुड़ी भी है, तो प्रिमिटिव फॉर्मेट पे है, यानी सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में ही जुड़ी हुई है, या फिर हंटिंग, ठीक है। ट्राइबल मेंबर्स ट्रेड विथ आउटसाइडर फॉर द फ्यू नेसेसिटीज दे लैक्ड सच एज द सॉल्ट एंड आयरन। अ फ्यू लोकल हिंदू क्राफ्ट्समैन माइट प्रोवाइड सच आइटम्स एज अ कुकिंग। देखो होता क्या है कि आपको बेसिकली ये आपको सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर से जुड़ी हैं, हंटिंग पे जुड़ी हैं, और फॉरेस्ट रीजन में रहती हैं तो ऑब्वियसली फॉरेस्ट वाले जो रिसोर्सेज हैं उन पे डिपेंड करती हैं। इनका ट्रेड भी बहुत लिमिटेड है आउटसाइडर के साथ, बहुत लिमिटेड फॉर्म में आपको जुड़ी है। यानी एक सिंपल सा समझाया था, इकोनॉमिक एक्टिविटी इनकी आज भी वही है जो बहुत पहले, नामीनेंस का आदिवासी है, पुराने वासी हैं ये, तो ऑब्वियसली पुराने वासी हैं तो उसी तरीके से जिंदगी जीते होंगे। और ये पर्टिकुलर एरिया के अंदर जाओगे ना, किसी भी रीजन के अंदर, तो यहाँ के ओरिजिनल पीपल्स होते हैं, मूल निवासी हैं ये वहाँ के, ठीक है, समझ रहे हैं यहाँ तक। अब देखो इंडिया में कई तरह के ट्राइब्स पाए जाते हैं, कई तरह के ट्राइब्स भारत के अंदर भी मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आपको इंडिया के अंदर आप आइएगा तो कई प्रकार के ट्राइब्स मिलने वाले हैं। जो सबसे अधिक संख्या में ट्राइब्स आपको मिलते हैं उनमें गोंड है। जैसे आपसे कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि लार्जेस्ट ट्राइब्स ऑफ इंडिया कौन सा है, इंडिया में मिलने वाले जितने भी ट्राइबल्स ग्रुप हैं उनमें लार्जेस्ट नंबर में कौन सा है, इट्स गोंड है। सेकंड नंबर में आओगे तो संथाल है, आफ्टर द गोंड। अभी हम लोग मिलेंगे सारे कि गोंड्स कहाँ पाए जाते हैं, संथाल कहाँ पाए जाते हैं, सारी चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। अभी तो मैं आपको बेसिक चीज़ के लिए बता रहा हूँ। अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि ट्राइब्स कहते किससे हैं, ट्राइब के कॉन्स्टिट्यूशनल कंडीशंस क्या हैं, और ट्राइब्स की एजुकेशनल कंडीशंस क्या है, ट्राइब की इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है। बीएस आई थिंक कल संडे, मंडे मे बी ट्यूसडे या वेंसडे को, ठीक है। और मैक्सिमम परसेंटेज ट्राइब का होगा तो नागालैंड के अंदर मिलने वाला है। पॉपुलेशन में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है, यदि पॉपुलेशन में जाओगे तो आपको मध्य प्रदेश के अंदर सबसे अधिक दिखेंगे, ठीक है। तो गोंड सबसे अधिक है, संथाल उसके बाद आती है, फिर परसेंटेज में नागालैंड में है, और पॉपुलेशन में आते हैं तो सबसे अधिक आपको कहाँ मिलने वाली है, तो आपका मध्य प्रदेश के साथ है। यहाँ तक सभी ओके हैं।
अब देखो हम लोग ट्राइब्स को समझते हैं, यदि जियोग्राफिकली और रीजनल इसका डिस्ट्रीब्यूशन समझें, यानी ट्राइबल जो ग्रुप है इंडिया में मिलने वाले उनका जियोग्राफिकल और रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करते हैं, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट सबसे पहले आते हैं, नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट के अंदर कौन कौन से रीजन्स में आते हैं। जैसे नॉर्दर्न पार्ट में आओगे तो कश्मीर का रीजन, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश का रीजन है, और ईस्टर्न पार्ट में आओगे तो सेवन सिस्टर्स स्टेट हमारे हैं। जो सेवन सिस्टर्स स्टेट हैं, यस असलम जी, आज की क्लास में कंप्लीट ट्राइब हो जाएंगे, इंडियन ट्राइब्स कंप्लीट हो जाएंगे आपके। अब देखो 645 ट्राइब्स हैं, तो सारे ट्राइब्स हम लोग पढ़ सकते नहीं हैं और सारी ज़रूरत है ही नहीं, समझो मेरी बात को। बट मोस्ट ऑफ द जो ट्राइबल ग्रुप है जो आपके एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, प्लस जो करेंट में पिछले एक साल के अंदर, दो साल के अंदर चर्चा में रहे हैं, वो सारी इस क्लास में डिस्कस हो जाएंगे, इसलिए एग्जाम में आपका काम हो जाना है असलम, ठीक है। गुलफशा और असलम जी, डोंट वरी, बी हैप्पी, खुश रहो। अब देखो जैसे मैंने बनाया कि नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट में है, तो नॉर्दर्न पार्ट में अंदर आते हो ईस्टर्न पार्ट में ट्राइब, तो इसमें देखो कौन कौन से ट्राइब बेसिकली मिलेंगे, तो बकरवाल, गुर्जर, थारू, बुक्शा, राजी, जौनसारी बेसिकली उत्तराखंड से जुड़ा हुआ, शौका, भोटिया, गद्दी, किन्नौरी, गारो, खासी, जयंतिया, ब्रू, मोग, बोडो, कोनियक, अपतिनी, चकमा, चकपा एट्सेट्रा। इट मीन्स ये जो ट्राइब्स के मैंने नाम आपके सामने रखे हुए, ये ट्राइब्स बेसिकली नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट। अभी मैं आऊँगा वन बाई वन कि किस स्टेट्स में कौन है, यानी बकरवाल कहाँ पर है या आपका अपतनी किस स्टेट के अंदर है, ये भी मैं डिस्कस करूँगा। मैं अभी आपको रफ फिगर आपको दे रहा हूँ कि किस पार्ट में जाओगे तो कौन कौन से ट्राइब आपको मिलेंगे, ताकि आपको मेमोराइज करने में ईजी हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना कि इतने अधिक ट्राइब्स हैं, सारे याद होने बहुत डिफिकल्ट हमारे लिए, तो इसीलिए इसको रीजनल डिवीजन में डाल दिया कि एक नॉर्दर्न पार्ट के ट्राइब्स कर दिया, ईस्टर्न पार्ट के ट्राइब कर दिया, ऐसे साउदर्न पार्ट के ट्राइब, ताकि उनके नामों से हम जब फैमिलियर हो जाएंगे फिर हम लोग स्टेट के साथ उसे जोड़ पाएंगे। आ रही बात समझे कि फिर, इसलिए मैंने अभी स्टेट्स इसको जोड़ा, रिलेट नहीं किया है, ठीक है। तो अब देखो यदि आप आते हो प्लेटू और माउंटेन रीजन्स, इट मीन्स द सेंट्रल इंडिया रीजन और पेनिनसुलर इंडिया के अंदर, इट मीन्स इस पार्ट में आओगे तो कौन कौन से रीजन्स आने वाले हैं, तो मध्य प्रदेश का पार्ट है, सदर्न राजस्थान का पार्ट है, गुजरात है, सदर्न यूपी है, बिहार का पार्ट है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। ये जो बेल्ट है आपको बेसिकली, ये आपको सेंट्रल इंडिया से जुड़े हुए पार्ट है बेसिकली। फिर इसमें हिली रीजन्स भी है, प्लेटू रीजन्स भी है, पेनिनसुलर इंडिया का कुछ पार्ट है। तो इस रीजन के बेसिकली ट्राइब देखो ना, तो कौन से हैं, भील, गोंड। अब देखो सबसे पहले क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा है कि भील ट्राइब, देखो कैसे इसको मैंने क्यों रीजनल डिवीजन में रखा हुआ, इसकी समझने के पीछे कोशिश करो। मान लो क्वेश्चन आ जाए कि भील ट्राइब्स किस स्टेट में है, आपको याद नहीं है आंसर, सपोज आपको आंसर नहीं पता है, तो कैसे इसको यूज़ करोगे। मान लो ऑप्शन में J&K दिया हुआ है, अरुणाचल प्रदेश दिया हुआ है, आपको MP दिया हुआ है और आपको उत्तराखंड दिया हुआ है, तो आपको पता है कि भील जो है वो सेंट्रल इंडिया के पार्ट से जुड़ा हुआ है। इट मीन्स उत्तराखंड, J&K, अरुणाचल प्रदेश नहीं होगा तो कहीं ना कहीं MP से वो रिलेट हो गया, तो आप क्वेश्चन को एलिमिनेट करके भी आंसर पिक कर पाओगे। इसीलिए मैंने एक रीजनल डिवीजन भी डाल दिया, ताकि आप पहले इजिली रिलेट कर लो, फिर हम लोग वन बाई वन इनके स्टेट के साथ इनको रिलेट करेंगे। समझ रहे हो मेरी बातों को कि इस तरह से क्यों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला। तो देखो सेंट्रल पार्ट से भील है, गोंड है, रेड्डी है, संथाल है, हो है, डुंगरिया है, कोंड, मुंडा, कोरवा, उरांव, बंजारा, मीणा, कोली, यनादी, इस तरह के जो ट्राइब्स हैं ये आपको रिलेटेड हैं बेसिकली हिली रीजन्स या पेनिनसुलर प्लेटू रीजन्स या समझ लो सेंट्रल इंडिया वाले पार्ट्स से। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है सभी लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को भी, आई थिंक आप सभी लोग ओके हों। अब आज हम मोस्ट सदर्न पार्ट में चले जाओ, मोस्ट सदर्न पार्ट के अंदर इट मीन्स कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला वाला बेल्ट है। मोस्ट सदर्न पार्ट तो ये है ना, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में, यहाँ पे टोडा ट्राइब, कोरमा ट्राइब्स, कोंड भी है, कडार भी है और इरुला भी है, ऐसे कुछ ट्राइब्स हैं जो आपको मोस्टली सदर्न इंडिया में देखने को मिलते हैं, टोडा, कोरमा, गोंड, कडार, इरुला, ऐसे कुछ ट्राइब्स हैं, ये आपको सदर्न इंडिया से रिलेटेड है। एक इंडिया का बहुत ही फेमस यूनियन टेरिटरी अंडमान एंड निकोबार, और इस आइलैंड ग्रुप में भी कई प्रकार के ट्राइब्स आपको मिलते हैं, सेंटिलिच, ओंग, जरवा, शॉम्पेन, टेबो, ऐसे कुछ ट्राइब्स हैं तो आपको अंडमान निकोबार से। देखो इस तरह से पढ़ने का एक सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये मिलने वाला कि जब कभी याद ना हो एग्जैक्ट आंसर तो एलिमिनेशन में यूज़ कर पाएंगे लोग। कई बार ना ये देखो UPSC में क्या होता है कि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें एलिमिनेट करके ही करने पड़ते हैं, हमें एग्जैक्ट आंसर उसका नहीं पता होता है।
आप बिलीव करोगे, मैं आपको ऑनेस्टली बोलूँ, 100 क्वेश्चंस में से किसी भी एस्पिरेंट को कंफर्म आंसर 20-25 क्वेश्चंस का ही आता है, या बहुत हुआ तो 30 क्वेश्चन तक वो कंफर्म जाता है, इससे अधिक नहीं जानता वो आंसर। या मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ 30 क्वेश्चन के कंफर्म जाता है, इतना भी नहीं जानता, बट मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ। इसके अलावा जो आपको क्वेश्चंस करते हैं ना, ओके असलम, मुझे ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम पे, मैं भेज दूंगा पीडीएफ वगैरह भी, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, ठीक है, अन अकेडमी अंडरस्कोर प्रवीण वन टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मिल जाएंगे आपको। तो आप समझ रहे हो इसको, यानी 20-25 क्वेश्चन ही बच्चों को आते हैं, और क्वेश्चन हमें करने पड़ते हैं अपने आईक्यू को यूज़ करके ही, तो कुछ उसमें भी आपको हेल्प करने वाले हैं। आगे बात समझो मेरी, कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन किसी को? अब देखो, एक टर्म है PVGT, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, ये वर्ड सुनते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं, फिर हम लोग आएंगे वन बाय वन ट्राइब के बारे में। देखो सबसे पहले तो जानो, इन इंडिया ट्राइबल पॉपुलेशन मेक्स अप 8.6% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन का करीब करीब 8.6% है, अप्रॉक्स 8.6% पॉपुलेशन जो है वो ट्राइबल पॉपुलेशन है। PVTGs आर मोर वल्नरेबल अमॉन्ग द ट्राइबल ग्रुप, ध्यान देखना इसमें वर्ड ही जुड़ा हुआ है वल्नरेबल, इट मीन्स ये कह सकते हैं जो ट्राइबल्स ग्रुप्स हैं उसमें मोर वल्नरेबल्स होते हैं, वो आपको PVGTs आपको आते हैं PV, ठीक है, तो मोर वल्नरेबल है PVTGs जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं। इनकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, इनमें दे आर द मोस्टली होमोजीनियस होंगे, मोस्टली आपको होमोजीनियस मिलेंगे विथ ए स्मॉल पॉपुलेशंस, रिलेटिवली फिजिकली आइसोलेटेड होते हैं, एब्सेंस ऑफ रिटन लैंग्वेज है, इनका रिटन लैंग्वेज एब्सेंट है, और रिलेटिवली सिंपल टेक्नोलॉजी एंड स्लोअर रेट ऑफ चेंज है इनके अंदर। यानी आपसे पूछा जाए कि PVTGs जो ट्राइबल्स ग्रुप्स होती हैं इनके अंदर बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक क्या पाओगे, तो मोस्टली होमोजीनियस होने वाली हैं, स्मॉल पॉपुलेशन है इनकी, रिलेटिवली फिजिकली आइसोलेटेड होती हैं, यानी एक पर्टिकुलर जिस रीजन में भी होंगी उसी रीजन में होंगी, कहीं दूसरी जगह इनका बहुत ज़्यादा इंटरेक्शंस नहीं होता, और इनकी जो लैंग्वेज है वो रिटेन फॉर्म में नहीं मिलने वाले, और रिलेटिवली ये सिंपल टेक्नोलॉजी और बहुत ही धीरे धीरे चेंजेज इनमें देखने को मिलने वाला है, ठीक है। अब देखो 1973 में एक कमीशन था, धेबर कमीशन, क्रिएटेड द प्राइमेटिव ट्राइबल ग्रुप, PTG बना था उस समय, प्राइमेटिव ट्राइबल ग्रुप 1973 में, PVTG नहीं बना था, ध्यान देना, PVTG नहीं बना था, बना क्या था, PTG प्राइमेटिव ट्राइबल ग्रुप बना था आपको 1973 में धेबर कमीशन के द्वारा, ठीक है। और ये आपको आगे चल करके इन द कंटेक्स्ट ऑफ 1975 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड टू आइडेंटिफाई द मोस्ट वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप एज अ सेपरेट कैटेगरी PVTG एंड डिक्लेयर 52 सच ग्रुप्स, और 1975 में PVTGs बना और 52 को आपको इसमें शामिल किया गया, ठीक है। वाइल 1993 एडिशनल 23 ग्रुप इसमें और ऐड किया गया, और अभी आपको 75 PVTGs आपको करीब करीब मिलेंगे अमॉन्ग द 705 शेड्यूल ट्राइब्स, जो करीब करीब शेड्यूल ट्राइब्स हैं वो आपको 705 के आसपास में है, तो उनमें से आपको PVTGs जो हैं वो आपको मिलेंगे, ठीक है। तो PVTGs जो है 75 है। अब यदि क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जैसे कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कितने हैं लिस्टेड है PVTGs में, तो पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में आपको 75 है, सबसे अधिक संख्या में किस स्टेट में है, तो ये उड़ीसा में है। देखो इनिशियली ना 645 के आसपास थे जो आपको शेड्यूल ट्राइब थे, बट अभी ये 705 के आसपास में, इस बात को ध्यान रखना, उधर मैंने एक डाटा होगा उसमें 645 है, तो इनिशियली स्टेज का डाटा है, वो वहाँ पे स्किप करके थी बात बताना, तो अभी मैं आपको रिकवरी करेक्शन कर दे रहा हूँ कि वो इनिशियली स्टेज का था, अभी करीब 705 है, ठीक है, और उसमें से आपको 75 PVTGs हैं, और सबसे अधिक संख्या उनमें से उड़ीसा के अंदर पाई जाती है, तो कई बार क्वेश्चन बन जाता है तो आप इसका आंसर कर सकते हो। तो नाउ गाइज ओके, समझ रहे हैं यहाँ तक सभी लोग, कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन किसी को भी कि PVTGs ट्राइब्स क्या होती हैं, और ये PVTGs जो हैं पहले बना आपका PTG देवर कमीशन के रिकमेंडेशन पे 1973 में, बाद में वो PVTG हो गया, और 75 प्रेजेंट टाइम है जिनमें उड़ीसा में सबसे अधिक पाए जाते हैं। सभी लोग ओके हो? इफ यू ऑल गाइज आर ओके देन गिव अ बिग थम्स अप ऑल ऑफ यू, प्लीज गिव अ बिग थम्स अप ऑल ऑफ यू।
यदि सभी लोग ओके हैं प्लीज गिव अ बिग थम्स अप, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ समझना, जैसे स्टेट वाइज, जैसे अभी मैंने आपको एक रीजन वाइज बताया कि किस ग्रुप में कौन से ट्राइब्स हैं, किस ग्रुप में कौन से ट्राइब्स हैं। अब हम लोग स्टेट वाइज समझ लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश के अंदर आते हैं तो कौन कौन से ट्राइब मिलने वाले हैं, अपतनी, मिसमी, डफला, मेरी, अक्का, सिन्फो, खामती, ऐसे कुछ ट्राइब्स हैं, ये सभी के सभी आपको अरुणाचल प्रदेश के साथ जुड़े हुए हैं। तो बहुत सिंपल सा कभी क्वेश्चन आया कि अपतनी, मिसमी, डफला, मेरी जो है किस स्टेट से रिलेटेड है, तो इट्स अरुणाचल प्रदेश। आते हो असम के अंदर तो वहाँ पे है चकमा, मिकिर, कचारी, बोरा, ऐसे ट्राइब्स हैं जो ये आपको रिलेटेड है आसाम के साथ में। वहीं पर आप आते हैं मेघालय, तो मेघालय में क्या है, गारो, खासी, जयंतिया, हमार, ऐसे आपको मिलेंगे मेघालय में। नागालैंड में आओगे तो अंगामी, कोनियाक, लोठा, ये आपके नागालैंड के साथ जुड़े हुए हैं। यहीं पर मणिपुर के अंदर आते हो तो कुकी, लेपचा, मुग। त्रिपुरा में आइएगा तो भुटिया, चकमा, गारो, कुकी। मिजोरम में आते हो तो मिजो, लखेर। वेस्ट बंगाल में अशुर, उमीज, बिरहोर, लोथा, लेपचा, माग, माली, मालपहाड़िया, पोलिया एट्सेट्रा आपको मिलेंगे। वहीं जब झारखंड में आते हैं तो झारखंड में संथाल, पहाड़िया, मुंडा, हो, बिरहोर, उरांव, खरिया, तमरिया एट्सेट्रा। ठीक है, ऐसे हम आते हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर, थारू, भाटिया, जौनसारी, भोक्सा, राजी, खासा, भुया, खरवार, मांझी, कोल एट्सेट्रा। उड़ीसा में जाओगे तो उड़ीसा में आपको ज्वांग, श्वारा, कारिया, खोंड, कांड आपको मिलेंगे उड़ीसा के अंदर। ऐसे कुछ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी जाओगे तो वहाँ पर हिल मारिया है, मुरिया है, डांडामी है, गोंड है, बैगा है, पाजरा है, भाटा है, भाटरा है, अगरिया है, भील है, शहरियार है, कुरवार है, हलवा है, गड्डी, गुर्जर, किन्नर है। ठीक है, ऐसे जम्मू कश्मीर में आते हो तो गड्डी, बकरवाल है, बकरवाल वगैरह जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है तो याद रखना कि आपको वहाँ से जुड़े हुए हैं। अनिशा दुबे, गुड इवनिंग। ठीक है, राजस्थान में आओगे तो भील है, मीणा है, कठोरिया है, गरशरिया है। वहीं आंध्र प्रदेश तेलंगाना के अंदर आते हो तो चेचू है, यांदाई है, कुरम्बा है, खोंड है, बागदाज है, कोया है, बगाता है और गदाबा है। केरला में आओगे इरुला है, कुरुम्बा है, कडार है, पुलियान है। तमिलनाडु में आते हो टोडा, कोटा, कुरुम्बा, बडागा, ऐसे कुछ ट्राइब्स हैं। इट मीन्स अभी हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स देखे कुछ कुछ रीजन्स में। वहीं जाओगे अंडमान निकोबार में तो ग्रेट अंडमेज है, निकोबारीज है, ओंग है, जारवा है, शोम्पेन है, सेंटलीज, ऐसे कुछ ट्राइब्स हैं। अब हम लोग वन बाई वन कुछ ट्राइब्स के बारे में समझेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट जो ट्राइब्स हैं उनके बारे में समझेंगे। सबसे पहले एक ट्राइब, एक कम्युनिटी, हालांकि ट्राइब नहीं है, एक ग्रुप है, ये कम्युनिटी है, थोड़ा सा न्यूज़ में था इसलिए इसको डिस्कस कर रहा हूँ मैं। छिपा कम्युनिटी, छिपा कम्युनिटी बेसिकली बिलोंग टू द राजस्थान के ट्राइबल ग्रुप नहीं, ये कम्युनिटी वहाँ की ग्रुप है जो चर्चा में रही है, तो इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं, इसी कारण से इसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपको छिपा कम्युनिटी के बारे में। इंक्लूडेड हैंडमेड ब्लॉक प्रिंटिंग ऑफ द छिपा कम्युनिटी, आपको हैंडमेड ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए जानी जाती है छिपा कम्युनिटी। इनकी एक म्यूजियम है, तीतानवाला म्यूजियम इन द बंगारू, तो ये चर्चा में रही है। तो इनको याद रखिए कि राजस्थान की कम्युनिटी है छिपा कम्युनिटी, जो आपको हैंडमेड ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए जानी जाती है। ठीक है, अब बातें हैं एक इंपॉर्टेंट ट्राइबल ग्रुप है छत्तीसगढ़ के अंदर, आबुझ मारिया ट्राइब। आबुझ मारिया सबसे पहले क्वेश्चन है कहाँ पर है, तो छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और ये आबुझ मारिया बस्तर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में है ये, और इंक्लूड पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में शामिल है, यानी ये आपको छत्तीसगढ़ के अंदर जाइएगा तो पीवीटीजी स्टेटस रखता हुआ है ये ट्राइब। कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं ना कि कौन कौन से ट्राइबल ग्रुप हैं इनमें से जो पीवीटीजी स्टेटस रखते हैं, तो आबुझ मारिया का नाम आप दे सकते हैं उसमें। ठीक है, समझ रहे हैं यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी को, कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट? देखो, अब इसी तरीके से एक ट्राइबल ग्रुप है चेंचू, बेसिकली ये आंध्र प्रदेश के साथ जुड़ा हुआ है। चेंचू तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, जो नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ ना, नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ जो हैं, नल्ला मलाई हिल्स, उसी नल्ला मलाई हिल्स के रीजन से रिलेटेड है ये आपको तेलंगाना आंध्र प्रदेश वाले बेल्ट में, जिसका नाम है चेंचू ट्राइब्स। ठीक है, और ये भी आपको पीवी
टीजी स्टेटस रखती हैं, ये पर्टिकुलर वल्नरेबल ग्रुप ट्राइबल ग्रुप में ये भी शामिल है आपको, और ये उस रीजन में प्रिजर्विंग बिग कैट्स को प्रिजर्व करने में इनका इंपॉर्टेंट रोल है। इस चीज को याद रखें, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि बिग ट्रैप्स को, बिग कैट्स को प्रिजर्व करने के लिए कौन से ट्राइबल ग्रुप जानी जाती हैं, तो वो है चेंजू ट्राइब। देखो इनमें जो क्वेश्चन आएंगे ना, ऐसे मान लो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द फोर चेचू ट्राइब्स, ऐसे आ जाए, या फिर एक स्टेटमेंट कुछ दिए जाए, तीन चार पूछा जाए इनमें से किस ट्राइब के लिए हैं, कि प्रिजर्विंग बिग कैट्स है, उसे पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में रखा गया, आंध्र प्रदेश तेलंगाना के रीजन में पाई जाती हैं, नल्ला मल्ला हिल से जुड़ी हुई हैं, कौन सी ट्राइब है वो, आबुजमारिया हैं, चेचू हैं या सेंटलीज है, ऐसे ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन फॉर्म्ड किए जा सकते हैं, समझो मेरी बात को कि कैसे क्वेश्चन वगैरह बन सकते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं ना किसी को भी। अब आते हैं, एक ट्राइब है आंध्र प्रदेश की अंदर ही, यानादी ट्राइब्स, इट्स अ नोमेडिक ट्राइब ऑफ आंध्र प्रदेश है, वहाँ के नोमेडिक ट्राइबल ग्रुप है आंध्र प्रदेश के अंदर। इट वॉज इन द न्यूज फॉर द एक्सरसाइजिंग हर फ्रेंचाइजी फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लोकसभा इलेक्शंस। ठीक है, तो चर्चा में रहा ये आपको लोकसभा इलेक्शन के साथ, तो इसको भी याद रखिएगा, यानादी ट्राइब्स। केरला और तमिलनाडु के रीजन में एक ट्राइब है, केरला और तमिलनाडु में, ये बेसिकली इरुला स्नेक कैचर्स के लिए जानी जाती है, इसको याद रखनी आया, ये स्नेक कैचर्स के लिए फेमस है इरुला ट्राइब। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से ट्राइबल ग्रुप है जो स्नेक कैचर के लिए जानी जाती है, तो इन्हीं को हम लोग स्नेक मैन, स्नेक चार्मर्स के नाम से भी जानते हैं, स्नेक कैचर्स, स्नेक मैन, स्नेक चार्मर्स, कौन सी, इरुला ट्राइब्स, जो आपको बेसिकली केरला तमिलनाडु के बेल्ट में मिलेंगी या सदर्न इंडिया के अंदर, देख सकते हो इरुला ट्राइबल ग्रुप की विमेन्स है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कि स्नेक कैचर ट्राइबल ग्रुप में कौन है, इरुला है, जो केरला तमिलनाडु रीजन से जुड़ी हुई है। समझ में आ रहा है ना किसी को, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। देखो एक ट्राइब है आपको तिवा, इसको हम लालुंग ट्राइब्स भी कहते हैं, ये बेसिकली रिलेटेड है असम एंड मेघालय से, और ये झूम इम्फेसाइज करती हैं। ठीक है, और ये एक फेस्टिवल मनाती हैं जिसका नाम है वान चुआव फेस्टिवल, दिस ट्राइब सेलिब्रेट्स वान चुआव फेस्टिवल। ठीक है, याद रखिएगा, और इन दिस फेस्टिवल अ प्रेयर is offered to protect the crops from pests and for the good crops. Good crops के लिए ये prayer करती हैं, एक festival मनाती हैं वान चुआव। तो कई बार question बन सकता है कि वान चुआव festival जो है वो किस tribal group के साथ जुड़ा हुआ, तो तिवा के साथ, जिसकी location असम और मेघालय वाले belt में मिलेंगे, और ये झूम practices में जुड़ी हुई हैं। ठीक है, देख सकते हो तिवा ट्राइब जो आपको असम मेघालय से जुड़ी हुई है, और झूम प्रैक्टिस इनका फेस्टिवल मेनली आपको इसमें याद रखना है, जो इनका वन चुआव फेस्टिवल है इसे जरूर याद रखिएगा। देखो ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करें अपना वन चुआव फेस्टिवल। ठीक है, एक ट्राइब है ब्रू, ब्रू एक कॉफी का ब्रांड भी है बट वो नहीं है ब्रू, ये ब्रू ट्राइबल ग्रुप है। ठीक है, बेसिकली ये आपको मिलने वाली कहाँ पे, तो त्रिपुरा मिजोरम और असम का जो बेल्ट है वहां पर। ये मिजो के साथ कन्फ्लिक्ट भी हुआ था, मिजो ट्राइब के साथ, तो फिर इनको त्रिपुरा में कैंप करना पड़ा 1997 के अंदर ब्रू ट्राइब्स। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, और इंडिजीनियस ट्राइबल ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है ये ब्रू, देख सकते हैं आप लोग। तो समझ में आ रहा है यहां तक, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन किसी को? देखो ट्राइब है झोबी, झोबी ट्राइब, इनके बारे में थोड़ा समझिएगा। ये ट्राइब जो है डिमांडेड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू जो लैंड टेरिटोरियल काउंसिल, That is JTC,
फ्रॉम द मणिपुर गवर्नमेंट। मणिपुर गवर्नमेंट से एक टेरिटोरियल काउंसिल की डिमांड करें जिसका नाम है न्यू जोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल। दिस टाइप एक्सटेंड टू नागालैंड, मिजोरम एंड असम इंक्लूडिंग मणिपुर। ठीक है, इट मीन्स यदि सिंपल से समझा जाए तो मणिपुर में भी हैं ये, नागालैंड में भी हैं, असम में भी हैं, पूरे उस नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट में आपको मिलने वाले थे। इसके अंदर कई ट्राइबल ग्रुप आते हैं, गांते, कोम, पैती, माते, सिमाते, तेदिम, चीन, जौ, ऐसे कई इसके ग्रुप के अंदर इसी ग्रुप में शामिल है, जो भी ग्रुप के अंदर। अब देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस ट्राइबल ग्रुप है नागालैंड के अंदर, कोनियाक। बेसिकली नागालैंड के अंदर, नागालैंड के मोन डिस्ट्रिक्ट से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा कि नागालैंड के मोन डिस्ट्रिक्ट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इन गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड्स कोनियाक डांस ऑफ नागालैंड इज गिवन द स्टेटस ऑफ ट्रेडिशनल डांस। इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया कोनियाक ट्राइब के डांस को। ठीक है, तो याद रखिए जो कोनियाक ट्राइब के डांस है ये गिनीज वर्ल्ड बुक में शामिल है। वशीम अकरम, अभी क्लास जैसे स्टार्ट हुई है तो अभी थोड़ी देर वेट करो यार, न्यू हो तो कोई इशू नहीं है, आप क्लासेस करते रहो, क्या फ़र्क पड़ता है, न्यू हो तो कंटिन्यू रखिए। एक इन्फॉर्मेशन तो आप लोग जानते भी हैं, फिर से मैं आप लोग को बता दूं कि 10:30 PM पर मेरी स्पेशल क्लास होती है जिसमें ज्योग्राफी के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ज्योग्राफी पढ़ तो रहे हो बट क्वेश्चन तो करनी ही है हमें, तो उसके लिए आपको 10:30 PM पर अन अकेडमी के ऐप पर मुझसे जुड़ना होगा और जुड़कर मेरी क्लासेस को ज्वाइन करो 10:30 PM पर। ऐसी देखो स्पेशल क्लास में आओगे ना तो कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, वहाँ पर इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिल जाती हैं, पोल्स फॉर द लर्नर्स हैं, इट मीन्स आप अपने रियल टाइम रैंकिंग जान सकते हो कि उन बच्चों के बीच में आपकी रैंकिंग कितनी बन पा रही है, फिर रेज अ हैंड अपने डाउट्स के लिए। इसके अलावा नेवर मिस अ क्लास, लेक्चर नोट्स आप वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो या रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो और एनी टाइम एनी वेयर क्लासेस देख ही सकते हो। ठीक है, और जैसे मेरी एक स्पेशल क्लास हो चुकी है क्विक रिविजन ज्योग्राफी की, तो आप चाहें तो उस क्लास को देख भी सकते हो, प्रवीण कुमार नाम से मुझे सर्च करो, मैं मिल जाऊंगा अन अकेडमी के ऐप पर और वहाँ ये क्लास को आप देख भी सकते हैं। ऑलरेडी हो चुकी है क्लास जिसके आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हो, व्यू PDF भी है और डाउनलोड PDF भी है। और एक चीज़ और, आप लोग क्लासेस को हमेशा लाइव देखा करो क्योंकि लाइव देखोगे तो अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, ऑफलाइन की तुलना में मच बेटर होता है। ठीक है, देख सकते हो कोनियाक के डांस जो है, यह डांस आपको शामिल किया गया है ग्रीनिज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर, शामिल है ये ट्रेडिशनल डांस में। अब आते हैं एक ट्राइब है चाकपा कम्युनिटी। चाकपा कहाँ से है? मणिपुर से। यदि आपसे क्वेश्चन आ जाए कि चाकपा कम्युनिटी किस जगह से रिलेटेड है, तो रिलेटेड टू द मणिपुर। द विलेज फेंग, द मेजोरिटी ऑफ दिस कम्युनिटी हैज बीन गिवन द स्टेटस टू द कंट्री फर्स्ट कार्बन पॉजिटिव टैक्स। इस कम्युनिटी को कार्बन पॉजिटिव टैक्स दिया गया है। ठीक है, तो याद रखना चाकपा कम्युनिटी कार्बन पॉजिटिव टैक्स के लिए जानी जाती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से आप लोगों के लिए, तो मणिपुर के अंदर एक चाकपा कम्युनिटी है जिसको कार्बन पॉजिटिव टैक्स दिया गया है किसी भी ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर। ठीक है, इसको याद रखिएगा जरूर। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में आओगे तो आप पता नहीं ट्राइब्स अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करती है। दिस ट्राइब कैन बी सीन एन द एग्जाम्पल ऑफ हारमोनियस को एग्जिस्टेंस बिटवीन मैन एंड द नेचर। ठीक है, इसके पीछे सिंपल सा रीजन है सुब्रता, कि उन्होंने कार्बन टैग मिला हुआ, इटमीन्स कार्बन इमिशंस को न के बराबर रखा। टेलीग्राम से जुड़ जाओ विजय, PDF मिल जाएंगे, आप पता नहीं है। सेंटिलेज, इसके बारे में जानते हो कि एन अग्रेसिव ट्राइब नॉर्दर्न सेंटिलेज आइलैंड, याद रखें नॉर्दर्न सेंटिलेज आइलैंड जो अंडमान निकोबार के वहाँ से जुड़ी है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि लोकेशन पर ये कहाँ पर हैं, किस आपको आइलैंड से जुड़ी है, तो नॉर्दर्न सेंटिलेज आइलैंड्स हैं वहीं पर हैं ये। ठीक है, इट इज़ अ हॉस्टाइल टुवार्ड द आउटसाइड द वर्ल्ड, इनके रीजन में एंट्री करने पर तो खतरा है ही। फ्यू ईयर्स अगो दिस ट्राइब हैज़ बीन द न्यूज ड्यू टू द किलिंग ऑफ अ अमेरिकन टूरिस्ट। एक अमेरिकन टूरिस्ट था, उसको इन्होंने मार दिया था सेंटिलेज ने, न्यूज में सब सुन रखा होगा आप लोगों ने। सेंटिलेज आइलैंड पर, नॉर्दर्न सेंटिलेज आइलैंड पर ये पाई जाती हैं, ये जॉन चाओ को 17 नवंबर 2018 में ये घटना घटी थी। ठीक है,
इट मीन्स इनके रीजन में यदि आउटसाइडर्स आते हैं तो ये उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आ रही बात समझ में मेरी? एक है यानोमामी ट्राइब, ठीक है, देखो यहां पर इसको बेसिकली डिस्कस किसी पीछे रीजन समझ लो, अभी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा क्यों ये डिस्कस हुआ। यानोमामी, द पीपुल ऑफ द यानोमामी ट्राइब इनहैबिटेड इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ द माउंटेन नॉर्दर्न ब्राजील एंड द साउथर्न वेनेजुएला, इट मीन्स साउथ अमेरिका से जुड़ी हुई है, ठीक है। इट इज द लार्जेस्ट ट्राइब लिविंग इन द सॉलिट्यूटेड ऑफ द साउथ अमेरिका के अंदर। यानोमामी, यानोमामी ट्राइब जो है साउथर्न अमेरिका बेसिकली ब्राजील और वेनेजुएला कंट्री से एसोसिएटेड है। दिस ट्राइब हैज मेड एन इमोशनल अपील टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यू टू विच इज द फाइल द डिस्कशन दिस डेज। इन दिस अपील इज इट इज रिक्वेस्टेड टू अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड कंपेंस इंपोर्टिंग गोल्ड शुड स्टॉप बाइंग गोल्ड फाउंड इन द एरिया ऑफ यानोमामी ट्राइब्स। इट मीन्स ये चर्चा में क्यों रही इसी पीछे रीजन समझो। उन्होंने गोल्ड शुड स्टॉप बाइंग, वहाँ से बाइंग को इन्होंने स्टॉप मतलब गोल्ड की बाइंग को स्टॉप करने की अपील की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ठीक है। तो इस कारण ये चर्चा में रही है, तो मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस कर दिया कि इंडिया के ट्राइब नहीं है, बट आपको याद रखना क्योंकि चर्चा में रहा है तो मे बी यूपीएससी जो है जनरली कभी कभार ऐसे होते हैं कि जो न्यूज़ में रहे हैं किसी कारण से उन पर क्वेश्चन वगैरह पूछ लिए जाते हैं। तो हमें याद रखना है कि यानोमामी ट्राइब्स रिलेटेड है ब्राज़ील के रेन फॉरेस्ट से, साउथर्न वेनेजुएला से, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील कर चुकी हैं कि गोल्ड शुड स्टॉप बाइंग गोल्ड फाउंड इन द एरिया ऑफ यानोमामी ट्राइब्स। ठीक है, समझ में आई यहाँ तक? कोई दिक्कत किसी को? समझ रहे हो ना इस चीज को? इसके अलावा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के रीजन के ट्राइब थारू, थारू इज द लार्जेस्ट एंड द ओल्डेस्ट ट्राइब ग्रुप ऑफ द हिमालयन फुटहिल्स। बेसिकली ये आपको उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का जो बेल्ट है आपको वहाँ मिलेंगे, कुछ हद तक नेपाल के साथ जुड़े होंगे, बिहार से भी होंगे। बिहार में आओगे तो बिहार का चंपारण डिस्ट्रिक्ट है, उधम सिंह नगर उत्तराखंड के अंदर है, पीलीभीत लखीमपुर खेरी यूपी में है, गोंडा है, बलरामपुर गोरखपुर और बहराइच में पाई जाती है। द कल्चर ऑफ थारू ट्राइब्स इको फ्रेंडली एंड रिप्रेजेंट अ गुड सोशल लाइफ सिस्टम। और पीएम मोदी ने इनको अप्रिशिएट किया हुआ मन की बात में, बेसिकली प्रोटेक्शन ऑफ द नेचर बाय थारू ट्राइब्समैन। तो इसी कारण से पीएम मोदी ने इनके बारे में डिस्कस करके बेसिकली ये आपको वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट जो बिहार के ना वहां से रिलेटेड है, तो इनकी लोकेशंस को याद रखिएगा थारू ट्राइब के बारे में। एक ट्राइब है बोंडा ट्राइब, बेसिकली ये उड़ीसा से रिलेटेड है, मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उड़ीसा, वहां से जुड़ी हुई है बोंडा ट्राइब, ठीक है। देखो ये ट्राइब्स क्यों रही चर्चा में, थोड़ा सा इनके बारे में जाना। दिस ट्राइब इन द न्यूज ड्यू टू द COVID-19 पैंडेमिक रीचिंग द बोंडा ट्राइबल कम्युनिटी लिविंग एट द हिल्स ऑफ द मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, ठीक है। द बोंडा ट्राइब्स आर मेंबर्स ऑफ द ऑस्ट्रोएशियाटिक ट्राइबल ग्रुप हु माइग्रेटेड इन द एंशियंट टाइम एंड सेटल इन दिस फॉरेस्ट जयपुर हिल्स। तो यहाँ पर आपको बेसिकली पैंडेमिक कोविड पैंडेमिक के कारण ये चर्चा में रीचिंग हुआ है यहाँ तक बोंडा में, जो आपको मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट के साथ जुड़ी हुई है और जिस हिल्स पर रहती हुई हिल्स का नाम है जयपुर हिल्स, और ये भी आपको पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में शामिल है। ठीक है, याद रहेगा इतना? कोई दिक्कत किसी को भी? कोई कन्फ्यूजन? समझ में आया यहाँ तक? कोई डाउट या कोई कन्फ्यूजन किसी को भी जल्दी से बताओ फटाफट। यू ऑल गाइज आर ओके? देन गिव अ थम्स अप ऑल ऑफ यू गाइज। यू ऑल आर ओके? देन गिव अ बिग थम्स अप ऑल ऑफ यू।
तो देखो हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स के बारे में डिस्कस किया। जैसे मान लो मैं पूरी क्लास को एक बार समराइज करूँ, तो हमने ट्राइब्स होते क्या ये डिस्कस किया, ट्राइब की सोशल कंडीशन डिस्कस किया, उनकी पॉलिटिकल कंडीशन, उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन, इन सारे एस्पेक्ट को हम लोगों ने डिस्कस किया इस सेशन के अंदर। तो मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। इसके अलावा आप ना एक काम के लिए और कर लेना, मतलब सिंपल सी इस क्लास को एक या दो बार देखो, जो इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं जहाँ पे क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको मैंने डिटेल्स में डिस्कस कर लिया। इसके अलावा जो ये लिस्ट है यहाँ पर, ये जो कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स की जो लिस्ट है, इन लिस्ट को एक बार जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इससे आपको कुछ स्टेट के ट्राइब्स के बारे में पता चल जाएंगी। बाकी जो इंपॉर्टेंट ट्राइब्स थी उनको मैंने डिस्कस किया कि हाँ ये ट्राइब इंपॉर्टेंट हैं, इन क्यों चर्चा में रही है, जिससे कि क्वेश्चंस वगैरह पूछे जा सकते। देखो सारे अब 705 ट्राइब्स हैं, तो आप भी समझते हो कि सारे ट्राइब पे क्वेश्चन तो आने नहीं है। अब 705 ट्राइब्स हैं तो ऑल ट्राइब्स हमसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे एग्जामिनेशन में, और ना हमारे लिए पॉसिबल है याद रख पाना उन सभी ट्राइब्स को, हमें याद रख पाना हमारे लिए पॉसिबल भी नहीं है। तो जो किसी भी वजह से चर्चा में रहे हैं डिस्कस, उन्हें हम लोगों ने डिस्कस किया, जिससे कि आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ से प्रिपेयर्ड हो सके, कंफर्टेबल हो सके। और इसके बावजूद जैसे मान लो कोई किसी कारण से कोई ट्रैवल ग्रुप, करंट अफेयर्स पढ़ते हो, मैगजीन पढ़ते हो, पेपर पढ़ते हो, उसे कोई ट्रैवल ग्रुप न्यूज़ में आया, चर्चा में आया, तो उसको आप ऐड कर सकते हो अपने नोट्स के साथ में, तो आपका नोट्स हो और अपडेटेड होता चला जाएगा, इट मीन्स आपके लिए और बेनिफिशियल होता चला जाएगा। आई मेरी बात समझ में? कोई डाउट या कोई कन्फ्यूजन, कुछ भी पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। एनी डाउट, एनी कन्फ्यूजन, लेट मी नो। देखो यदि आप 2022 में जाना चाहते हैं तो बैचेस हैं, उस बैचेस के देखो बेनिफिट क्या बहुत सिस्टमेटिक तरीके से है। नहीं नहीं सेजर, ऑलमोस्ट ट्राइब्स के सेशन हो चुके हैं इंडियन ट्राइब्स के साथ। जब लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वर्ल्ड की जो ट्राइब्स वगैरह उसको उसमें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो 7 मंथ 2 मंथ और 3 मंथ, 7 मंथ देखो क्या है, प्री मेंस के कंप्रिहेंसिव कोर्सेज, 2 मंथ क्या आपका प्रीलिम्स का स्पेसिफिक, 5 जून को आपका पेपर है, अब ऐसे प्रीलिम्स, फिर प्रीलिम्स दोगे तो 3 मंथ का आपका मेंस का है, इसके बाद फिर आपको 16 सितंबर का आपका मेंस है। तो इस स्ट्रेटेजी पे यदि आप काम करते हो तो आपके इंटरव्यू कॉलिंग की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएगी, और आपके इंटरव्यू कॉलिंग की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएगी तो IAS बनने की संभावना भी आपकी बढ़ जाएगी। तो यदि 2022 में जा रहे हैं तो आपके लिए बेहतर टाइम है अभी बैचेस ज्वाइन करने का। अभी 1 सितंबर से बैचेस स्टार्ट हो रही हैं, जो बायलिंगुअल्स भी है और हिंदी में भी है, दोनों में हैं, तो आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन है, आप जुड़ सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो इन्हें, ठीक है। स्कीमो मार्जिया जो बेसिकली स्कीमो जो है आपको, ये कनाडा वाले बेल्ट से, नॉर्थ अमेरिका से, ठीक है। टोरल क्या लिखा हो मैं समझ नहीं पाया, मैं आपकी बात को थैंक यू के आगे मैं समझ नहीं पाया, ठीक है। देखो आप अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन से लेते हो तो आप रेफरल कोड प्रवीण यूज़ करोगे तो आपको कई सारे बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि 10% ऑफ तो मिलता ही मिलता है, साथ में आपको मेरी पर्सनल मेंटरिंग भी मिल जाएगी। और यदि आप में से किसी की ज्योग्राफी ऑप्शनल हो, एज ए ऑप्शनल आपने ऑप्ट कर रखा हुआ है, तो वहाँ पे भी आपको मेरी मेंटरिंग मिल जाएगी ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए भी, इट मीन GS के अलावा। और टेलीग्राम ग्रुप जो मेरा है वो है unacademy_praveenone, इट मीन praveenone क्या है, मेरा रेफरल कोड है, इसी के साथ unacademy_ लगा दो, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप है, मुझसे यहाँ पे जुड़ सकते हो। यहाँ जुड़ोगे तो क्लासेस के लिंक भी मिल जाएंगी और PDF वगैरह भी कुछ मिल जाएंगे। क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए, अच्छी लगी हो तो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यह भी कर लेना। 10:30 PM पर, इट मीन्स थोड़ी सी देर हम लोग अभी क्या करते हैं, एक ब्रेक लेंगे, उसमें हम लोग डिनर वगैरह फिनिश करेंगे अपना, और इसका 10:30 PM पर इस अनअकैडमी के ऐप पर मिलेंगे। इस प्रोफाइल से मुझसे जुड़ सकते हो वहाँ पर, और वहाँ पर ज्योग्राफी कुछ बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो मैं आप सभी लोगों को इन्वाइट करता हूँ, 10:30 PM वाली क्लास को भी ज्वाइन करो, बहुत मज़ेदार सेशन होने वाला है और अच्छा लगेगा आप लोगों को। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, कल एक लंबा सेशन मैं लूँगा 3 PM पर YouTube पर, यहीं पर इसी YouTube चैनल पर, जिसमें हम लोग ज्योग्राफी के अभी तक इंडियन ज्योग्राफी जितना पढ़ा है ना सबके क्वेश्चन, एक मिनट, एक मैराथन सेशन टाइप का लूँगा मैं, समझ रहे हो। तनिषा हेलो, बट अब तनिषा क्लास के एंड में ऑलमोस्ट ज्वाइन कर रहे हो, तो कल इसी जरूर ज्वाइन करना 3 PM पे आप लोग।
जैसे मान लो ये लेट नाइट है, हो सकता है इतनी लाइट आप जगो ना जगो, सबकी अपनी अपनी रूटीन होते हैं, तो माई आई थिंक 3 PM पर फ्री रहोगे। तो अभी तक जितने देखो इंडियन ज्योग्राफी की ऑलमोस्ट अब एक दो क्लासेज रह गई है हमारी, इंडियन ज्योग्राफी हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक दो क्लासेज के बाद हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं, तो जिन लोगों ने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना हो तो क्लास के स्टार्टिंग से जुड़ सकते हो, एक दो क्लासेज के बाद से। तो इंडियन ज्योग्राफी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, इसी कारण मैंने एक इंडियन ज्योग्राफी पर लॉन्ग सेशन रखा हुआ है 3 PM पर कल यूट्यूब पर ही, ताकि आप आओ उसके क्वेश्चन को सॉल्व करो, कितना सीखा अपने आपको इवेल्युएट कर पाओगे। तो आपके टाइम भी एक बार रिवीजन भी कर लेना, घर पे बैठे रहोगे तो रिवीजन भी कर लेना, दोपहर में हम लोग मिलते हैं कल, ठीक है? इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। तनिषा मैं NCERT जो है सुबह 7 बजे पढ़ाता हूँ 7 AM पर, और कल क्लास 11th की NCERT का जो इंडियन ज्योग्राफी का NCERT है उसकी फर्स्ट लेक्चर है, पहली क्लास है 7 AM पर। तो 7 AM पर जुड़ना इसी यूट्यूब चैनल पर, यहीं पर मुझे आप जुड़ जाओ ना, यहाँ unacademy_praveen इसमें टेलीग्राम ग्रुप पर, यहाँ पर मैं क्लासेस की लिंक सेंड करता हूँ, तो आप इजीली जुड़ पाओगे मेरी क्लास के साथ। तो कल NCERT की फर्स्ट क्लास है वो 7 AM पर, मॉर्निंग 7 AM, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है? चलो फिर हम लोग मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर 10:30 PM पर, ठीक है? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास, गुड नाइट ऑल ऑफ यू गाइज, टेक केयर, बाय।